तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी की। तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले आपके साथ किए हैं, हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी। डेटा कनेक्टिविटी मतलब एक शीट से दूसरे शीट पे, एक फाइल से दूसरे फाइल पे हम डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये आज की हमारी क्लास में होगी। तो शिवम जी, हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला के चैप्टर के बाद डेटा कनेक्टिविटी। तो जैसे कि आपके सामने डेटा मेनू बार में जैसे गेट डेटा ऑप्शंस है, होता है क्या है कि मान लीजिए कि एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल पे लाना है या कोई लिंक करना है, तो जनरली हम लोग इक्वल करके लिंक करते हैं ना, इक्वल करके इस पे क्लिक कर दिए, उसी फाइल पे जाए क्लिक कर दिए, यहाँ जो होगा हम डाल देंगे। तो प्रॉब्लम कब होती है, जब मैं नीचे कुछ डाल दिया तो फिर मुझे वापस ड्रैग करना पड़ेगा, डिलीट कर दिया तो वापस हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या सर? और भी बहुत सारे हैं लिमिटेशन। तो हम बात कर रहे हैं किसी और फाइल का डेटा या किसी और सॉफ्टवेयर का डेटा, एक्सेस का डेटा हम एक्सेल पे कैसे लेके आएंगे। तो गेट डेटा में सबसे पहला आता है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में अगर मान लीजिए मैंने एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया और कोई एक फाइल सिलेक्ट किया, जैसे मैंने एन डेटा को सिलेक्ट करके इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट करते ही आपको लिस्ट ऑफ शीट्स आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डेटा शीट को कनेक्ट कर लिया, डेटा शीट हमारा है। अब इसमें अगर मैं लोड करता हूं तो जैसा डेटा है ना सेव उसी तरह से यहां लोड हो जाएगा, राइट सर? हो गया लोड? जी 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 सर। लेकिन मुझे जैसा डेटा वैसा लोड नहीं करना है, मुझे कंडीशन से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का डेटा या पर्टिकुलर किसी सिटी का डेटा लेके आना है, राइट? तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम क्या, यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उस केस में हमें क्या करना है कि गेट डेटा फ्रॉम फाइल पे जाना है। जाने के बाद डेटा जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं वैसी तरह से कीजिए, सीट को सिलेक्ट कीजिए। तो लास्ट टाइम हमने लोड पे क्लिक कर दिया था ना, इस बार लोड पे क्लिक ना करेंगे, हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। किस पे करेंगे? ट्रांसफॉर्म डेटा। जब ट्रांसफॉर्म डेटा पे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चला जाता है पावर क्वेरी एडिटर पे। जी हाँ, पावर क्वेरी एडिटर, जहां पे आप नए कैलकुलेशंस और फिल्ट्रेशंस वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ सिर्फ अजीत और देव का डेटा चाहिए, अजीत और देव को सिलेक्ट कर लिया, अजीत और देव फिल्टर हो गया। अब मैं यहाँ पे लोड एंड क्लोज करता हूं तो आप देखेंगे तो डेटा कनेक्ट हुआ, उसमें सिर्फ अजीत और देव का डेटा है, बाकी डेटा नहीं आया। आया समझ सर आपको? इसी तरह से बाकी फिल्ट्रेशंस भी आप पावर क्वेरी पे कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मैं यहीं पे अगर एडिट पे क्लिक करूं तो वापस पावर क्वेरी पे चलाऊंगा और यहाँ पे आप जो करना चाहते हैं ग्रेटर देन लेस देन जो फिल्ट्रेशन कमांड है वो फिल्ट्रेशन वगैरह लगा सकते हैं, कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाना है तो फॉर्मूला वगैरह भी लगा सकते हैं आप, ठीक है? इसको क्लोज करते हैं। सुन रहे हैं आपको शिवम जी? शिवम जी को डाउट? आई थिंक म्यूट है। तो वापस डेटा मेनू में आते हैं, गेट डेटा में फ्रॉम फाइल के बाद आता है फ्रॉम सीएसपी। नोटपैड या सीएसपी का कोई डेटा है तो उसको आप लेके आ सकते हैं, जैसे कोई भी नोटपैड का डेटा है आप उसको लेके आ सकते हैं। किसी भी तरह का नोटपैड का डेटा लेके आ सकते हैं। इसे 1, 2, 3 हमने कर दिया ओपन, बस उसके अंदर डेटा होना चाहिए। तो नोटपैड के डेटा को भी लेके आ सकते, इसमें डेटा है ही नहीं इसलिए नहीं आ रहा, पर डेटा होगा तो आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरह से आप एक्सएमएल जेसन पीडीएफ, अगर पीडीएफ में कोई फाइल पड़ी है तो उस पीडीएफ के डेटा को भी आप लेके आ सकते हैं, कोई भी पीडीएफ का फाइल अगर पड़ा है आपको तो लेके आ सकते। सॉरी, जैसे देखिए
डेटा हमारा पीडीएफ का है, अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट करने के बाद पीडीएफ का आप देखेंगे कि जितने भी पेजेस होंगे, तीन पेज है तो तीन अलग अलग पेज यहाँ पे आ गया, और यही भी A1 to 3 पेज आ गया, एक से लेकर तीन पेज तक आ गया। अब मैं यहाँ पे लोड कर दूं, ट्रांसफॉर्म करके आप चले जाते हैं पावर पीडी पे जहाँ आप कंडीशन लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लोड करते हैं, तो लोड करते ही आप देखेंगे यहाँ डेटा आ गया। ठीक है, तो पीडीएफ से डेटा ला सकते हैं आप। शिवम जी, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? जी जी सर। उसके बाद फोल्डर। अब जैसे किसी एक फोल्डर में कई सारे फाइल्स रखे हुए हैं, बात समझ रहे हैं सर? कोई एक फोल्डर आपके पास है जिसमें कई सारे फाइल्स आपके पास रखे, एक बार मैं देखता हूँ कहाँ पे मेरे पास है या नहीं है। होता है जैसे मान लीजिए आपने किसी से डेटा मांगा, तो उसने क्या किया कि कुलेक्टेड डेटा नहीं दिया, उसने आपको डेटा दे दिया अलग अलग फाइल्स के अंदर। जैसे डेटा यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको ना, 1 से लेके 8 यहाँ पे दिख रहा है आपको, समझे? एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, D1 इसको हटा देता हूँ। 1 से 8 फाइलें हैं, और फाइल नोटपैड की हो, फाइल एक्सेल की हो, किसी की हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फोल्डर पे क्लिक किया और 2022 के अंदर डेटा में डेटा को सिलेक्ट कर लिया और इसको ओपन किया। ओपन करते ही बता रहा है कि भाई 1 से लेके 8 तक ये फाइल है। अगर मैं इसी को लोड कर देता हूं तो क्या होगा? लोड करते ही क्या हो जाएगा आपका, कि जो दिख रहा है ना, सिर्फ यही डेटा आपको आएगा, लिस्ट ऑफ फाइल का पूरा डिटेल आएगा, लेकिन मुझे इसके अंदर की डेटा चाहिए, देन वी हैव कंबाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करेंगे। कंबाइन एंड लोड पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका सारा जितने भी फाइल है सबको देखिए यहाँ पे कुलेट कर देगा। यहाँ पे फर्स्ट फाइल या फाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिए और सारे फाइलों को क्लिक कर देगा। अब यहाँ पे क्लिक कर दे तो स्किप फाइल विद एरर, अगर फाइल में एरर है तो स्किप कर दे। तो ये देखिए 8 फाइल का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डाल देगा। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है शिवम जी? ये हमारा फ्रॉम फोल्डर था। उसे से फ्रॉम डेटाबेस, जैसे एसक्यूएल डेटा आपका एसक्यूएल डेटाबेस या एक्सेस डेटाबेस में आपका कोई अगर डेटा है तो उसको भी ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डेटाबेस 7 को सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक किया। अब इसके अंदर जितने भी क्यूरीज है या डेटा है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से लोड या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करके पावर क्वेरी पे चला जाता है। उसी तरह से यहाँ पे और भी डेटाबेसेस है तो आपके पास वो डेटाबेस उसका यूज कर सकते हैं। उसका अजूरे है, पावर प्लेटफॉर्म वगैरह है, फ्रॉम जो डेटा सर्व सॉफ्टवेयर होता है, ऑनलाइन यहाँ पे डिसेबल है बट आपके पास देखिए अनेबल होगा, यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है फ्रॉम टेबल रेंज। जैसे आप अभी तो हम दूसरे फाइल से कर रहे हैं ना, लेकिन आप चाहो तो इसी फाइल से ले सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि C1 का डेटा हमारा दूसरे जगह पे चले जाए तो उस केस में भी इसका यूज हम कर सकते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज। फ्रॉम वेब, किसी वेबसाइट का डेटा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ फाइनेंस सर्च किया, गूगल फाइनेंस यहाँ पे आगे आ जाएगा। अब ये जो स्टॉक रेट वगैरह है ना, मुझे वो चाहिए हमारे एक्सेल शीट पे, हम इसको गूगल फाइनेंस को लेते हैं, यहाँ पे यूआरएल को डाल देते हैं एंड ओके करते हैं। ओके करने के बाद अगर इसकी कोई लॉगिंग वगैरह है, जैसे विंडो 3 पे जाना चाहते हैं जिसमें आपका लॉगिंग है या बेसिक लॉगिंग है कोई, या वेब API है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट है, तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। बट यहाँ पे एनीवन कर दिया, मतलब कि हर कोई इसको यूज कर सकता है। देन कनेक्ट, आ गया। अब इसमें जो है ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके जो पेज है उस पे डेटा टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इसमें डेटा कोई भी टेबल फॉर्मेट में है ही नहीं, जिस कारण से नहीं आया। अब एक ऐसा करते हैं जो टेबल फॉर्मेट में, उसको देखते हैं।
स्टॉक मार्केट डेटा सर्च करते हैं। मान लीजिए इसी का यूएस मार्केट को ही लेते हैं, जो टेबल फॉर्मेट में होगा, जैसे टेबल फॉर्मेट में है तो ये डेटा पिक कर लेगा। यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, फिर से हम जाते हैं यहाँ पे फ्रॉम वेब, ताकि वेब यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, पेस्ट किया देन ओके एंड कनेक्ट। इतना कनेक्टिंग कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं आपसे। टाइम ले रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वेबसाइट एम्बेड फैसिलिटी नहीं देती, इस कारण से दिक्कत होता है, लेकिन जो वेबसाइट एम्बेड फैसिलिटी देती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ हो सकता है मेरा जूम चलने के कारण थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो गया हो। इसको आप अपने एंड पर ट्राई कर लेते हैं शुभम जी, ठीक है शुभम जी? हेलो तो एक गेट डेटा में हमारा ये फैसिलिटी है जिसका यूज हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो क्यूरी कनेक्शन आपने लगाया ये आएगा, ये आता है स्टॉक, जैसे कि मान लीजिए SBIN हमने कर दिया। अब SBIN करके अगर मैं जैसे इसके स्टॉक पे क्लिक करूंगा, ये चेक करेगा कि ये देखिए आ गया ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इस पे क्लिक करें कि इसका क्या चाहिए आपको, आपको इसका हाई चाहिए, लो चाहिए, क्या प्राइस चाहिए, ओपन चाहिए, मैंने प्राइस पे क्लिक किया, देखिए इसके बगल में प्राइस आ गया। यहाँ पे अगर मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो जो स्टॉक से रिलेटेड किसी भी स्टॉक का जो इंडिकेट है वो डालिएगा, डालते ही जो डालना चाहते लेना चाहते हैं वो साइड में आपके पास आ जाएगा, एक हो या एक से ज्यादा हो। सेम उसी तरह से करेंसी INR, अब यहाँ पे हम करेंसीज पे क्लिक कर दिया, ये करेंसीज हो गया। अब आपको क्या चाहिए तो मैंने यहाँ पे INR2 या US, तो यहाँ पे कर सकते हैं INR, यहाँ पे US कर देता हूँ, US इसी पे आएगा। इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है क्या है यहाँ पे स्टॉक है, क्या है करेंसी है, ऑलैंड है, इंटरनेशनल, अच्छा ये है इंडियन रुपीज और जैपनीज रुपीज, ये इंडियन टू जैपनीज में कन्वर्ट कर रहा है, इंडियन यहाँ पे US कर देते हैं यहाँ पे US। USD हाँ आ गया, तो इंडियन स्लैश USD। अब यहाँ पे आप प्राइस का दे सकते हैं कि प्राइस क्या चल रहा है, तो अभी प्राइस चल रहा है 0001, मतलब एक इंडियन रुपीज जो है आपका 0.01 डॉलर के अकॉर्डिंग है। मतलब मान लीजिए कि अगर हम 7500
रुपये इंडियन है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये $96 आएगा। ठीक है सर, या फिर एक यहां पे आ गया। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, जैसे मैं यहां पे कर दिया यूएसडी स्लैश आई एन आर, एंटर प्रेस कीजिए, स्पेस करेंसीज क्लिक कर दीजिए, करेंसी आ गया। अब इसमें हम प्राइस कर देते हैं, प्राइस तो 77 रुपए का रेट अभी चल रहा है ना, इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी ज्योग्राफिकल है, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, और दिल्ली पे मैं अगर यहाँ पे ज्योग्राफी करता हूँ, तो ज्योग्राफी करने के बाद एक ज्योग्राफी का डिटेल्स आ जाता है कि भाई दिल्ली क्या है, तो मैंने बोला दिल्ली मतलब कि क्यों दिल्ली है, इसमें आपको क्या चाहिए दिल्ली हमारा, इसके बारे में आपको बता रहा है। नहीं नहीं दिल्ली अलग है, सॉरी दिल्ली नहीं पिक करता, न्यू दिल्ली पिक करता है। ये आप में है ज्योग्राफिकल। अच्छा मैं यहाँ पे दिल्ली पुणे कानपुर डालता हूँ, 3 डालता हूँ, और इसकी ज्योग्राफी पे क्लिक करता हूँ। समय आ गया देखा। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, इसका एरिया स्क्वायर चाहिए आ गया, इसका आपका इमेज चाहिए, इमेज यहाँ इमेज आ जाएगा, पुणे का इमेज नहीं आया बाकी वही इमेज आ जाएगा, लैटिट्यूड चाहिए लैटिट्यूड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इसका पॉपुलेशन चाहिए पॉपुलेशन आ जाएगा, टाइम जोन चाहिए कैपिटल आइए रीजन चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लीडर्स तो देखिए दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है, ये आपका पुणे का मुरलीधर मेयर है, ये प्रेमा पांडे मेयर है, ठीक है। इस तरह की डिटेल्स आप ले सकते, इसके लिए इंटरनेट का होना जरूरी है, बाकी शॉर्ट वगैरह तो मैंने करा ही दिया था, कल की क्लास में आपको डेटा मेनू बार में खत्म कर दूंगा। ठीक है सर, तो प्रैक्टिस कीजिए, जी सर मिलते हैं कल। ओके सर, ओके सर।